फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज और ब्यूटी और लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपको मेरे टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि ये मेरे लाइफ का पहला नेल आर्ट था, नेल एक्सटेंशन था, एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन। तो ये है वो नेल स्टूडियो जहाँ पे मैंने कराया था। कुछ इस तरीके का हमारे साइड का नेल एक्सटेंशन वाला स्टूडियो है। ये बहुत ही अच्छा था, नीट एंड क्लीन था, हाइजीन था और सारी चीज़ें जो यहाँ की थी वो बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे जो सारे कलर पैनल्स रखे हुए हैं जिससे आप अपने कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जाते हैं अगर किसी भी नेल आर्ट करवाने के लिए तो सबसे पहले आप कलर पैनल सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले सारे डिज़ाइंस वो आपको दिखाते हैं, सारे कॉस्ट आपको सब सारे डिज़ाइन के कॉस्ट अलग थे। आप जैसा करवाते हैं उसी अकॉर्डिंग आपको पे करना होता है। यहाँ पे सारे कलर ऑप्शंस थे जिसमें आपको जेल नेल्स भी थे। और ऐसा दिखता है मेरा जो नेल स्टूडियो था जहाँ पे मैं गई थी, वहाँ पे ये दो लोगों को ऑलरेडी चल रहा था। उसके बाद फाइनली मेरा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है नेल बफरिंग से। सबसे पहले वो नेल्स सारे नेल पेंट्स जो होते हैं आपके उसको वो रिमूव करते हैं। नेल पेंट्स को रिमूव करने के बाद वो नेल को बफ करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो एक अच्छे बफर से सारे नेल्स को ये करते हैं ताकि जो भी स्मूथ टेक्सचर जो होता है बेसिकली जो हमारे नेल्स का, उसको हटा करके थोड़ा मतलब ब्रॉड टेक्सचर करते हैं ताकि एक्रेलिक नेल्स जो है वो उस पर अच्छे से चिपक जाए। जैसे ही उन्होंने मेरे नेल को बफर किया, उसके बाद उन्होंने एक एंटीसेप्टिक स्पिरिट टाइप का कुछ लगाया था। और फिर उसके बाद ये एक्रेलिक नेल है और ये ग्लू होता है उसका जिससे वो चिपकाते हैं। साइज़ और टेक्सचर जो होता है वो आप बाद में उसको ये करवा सकते हैं। शेप जो होता है, टेक्सचर तो एक्रेलिक नेल का एक ही होता है। और यहाँ पे इस तरीके से हाथ को उठा के वो चेक कर रहे थे कि वो प्रॉपर्ली सही तरीके से लगा है या नहीं। तो यही होता है सबसे पहला सेकेंड स्टेप। एक्चुअली फर्स्ट स्टेप में तो वो नेल को बफ करते हैं, उसके बाद सेकेंड स्टेप में उसे एक ग्लू से उसे चिपकाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा होता है नेल्स, लेकिन फिर बाद में उसको वो आपके शेप और साइज से डाल देते हैं। यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि नेल्स जो है वो प्रॉपर्ली सेट हुआ है, यानी मतलब टेढ़ा तो नहीं है कहीं। और ये तुरंत ही चिपक जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जब वो चेक करते हैं वो तो आपसे सेटिस्फैक्शन भी पूछते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक मशीन है जिसको जिससे वो ये देख सकते हैं आप, ये मशीन के साथ ही वो मेरे नेल्स जो सब सेट हो जाता है। तो थोड़ा सा वो डायमेंशन क्रिएट करते हैं, मतलब कि जिस साइड से वो चिपकाते हैं उधर की तरफ थोड़ा पतला रखते हैं। और उसको फिर जब वो जेल या ग्लू लगाते हैं जो वहाँ पे, उससे वो प्रॉपर्ली सेट हो जाए। तो यहाँ पे वो उस तरीके से ये कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि जब वो आपके नेल्स को ये मशीन से होता क्या है कि आपके जो एक्रेलिक नेल्स है वो थोड़ा थोड़ा रिमूव होने लगता है। देख सकते हैं डस्ट जो वो निकल रहा है, आपके जो ओरिजिनल नेल है उससे भी डस्ट निकलता है। तो कभी कभी अगर आप नहीं बताते हैं अपने जो भी आपके नेल आर्ट वाले हैं, अगर वो कैसा कर रहे हैं या कर रही हैं, तो कभी कभी वो ज़्यादा कर देते हैं तो थोड़ा पेन भी होता है। तो आप मेक श्योर करें कि आप एकदम अच्छे से उनको गाइड करें। उसके बाद ट्रिमिंग हो जाती है नेल्स की। उसके बाद यहाँ पे वो ग्लिटर्स को मिक्स करके मुझे समझा रहे थे कि मुझे कैसा चाहिए या किस ग्लिटर को मिक्स करने के बाद कैसा टेक्स्चर आएगा, कैसा कलर आएगा। तो यहाँ पे मैंने कलर और जो नेल आर्ट था वो सेलेक्ट कर लिया था। मैंने एक ग्रीन कलर का नेल कलर अपने लिए चूज़ किया था जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ऐसा नहीं है कि नेल पेंट अगर लग गया है तो ये फाइनल प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस में नेल पेंट लगना ही सबसे पहला प्रोसेस होता है। उसके बाद नेल पेंट लगने के बाद भी आप देख सकते हैं उसको अच्छे तरीके से वो बफ कर रहे हैं बाकी जो बच गया था। और इसके बाद वो फिर एक क्लियर जेल टाइप का कुछ लगाते हैं जो कि कोई केमिकल होता है जिससे वो पूरी तरीके से जो आपका नेल होता है वो सेट हो जाता है, लिक्विड जो होता है। उसके बाद उसमें शाइन भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसके बाद फिर वो एक यूवी मशीन में आपके नेल्स को सुखाने के लिए देते हैं। और अगर आपको आपका नेल पेंट या नेल आर्ट नहीं अच्छा लग रहा हो या कोई चेंजेस चाह रहे हो, तो यूवी स्कैनर में जाने से पहले ही आपको बताना होता है कि हाँ मुझे ये नेल आर्ट नहीं अच्छा लगा या मुझे इसे चेंज कराना है, तो तुरंत वो कर देते हैं। जैसे ही वो आपके जेल से उसको सेट करते हैं, उसके बाद जब ड्राई कर देते हैं, तो फिर चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है।
और नेल आर्ट एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मेरा नेल एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा था। थोड़ा सा जो मुझे परेशानी हुई वो बस यही था कि जब वो यूवी स्कैनर में ब्लू स्कैनर जो होता है उसमें तो नहीं पेन करता, पर एक और स्कैनर में जब वो सेट करते हैं जेल को तब वो थोड़ा हीट करता है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, थोड़ा जलन होता है, वो थोड़ा वियर्ड लगा मुझे क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी नेल आर्ट देखे थे तो कहीं पे ये पेन वाला प्रोसेस लोग रिवील नहीं करते हैं कि पेन भी करता है, पर थोड़ा पेन करता है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर होके जा रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप मेरे जैसे थे जिसको ABCD भी नहीं पता था नेल आर्ट के बारे में और जैसे ही वो जलन स्टार्ट हुआ तो मैं तो चीख पड़ी थी, पर उन्होंने फिर समझाया कि नहीं नहीं इट्स ओके इट्स नॉर्मल, तो थोड़ा फिर उन्होंने मेरे हाथ को मसाज वसाज किया, फिर मुझे वो थोड़ा आराम मिला। उसके बाद इसी के साथ मेरा ये नेल आर्ट एक्सपीरियंस यहीं पे ख़त्म होता है और मैं आपको क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि मैंने ये कराया था नेल आर्ट स्टूडियो से जो कि पटना में है बोरिंग रोड में। यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, स्टाफ मेंबर बहुत अच्छे थे, कलर पैटर्न्स भी बहुत अच्छे थे, डीलिंग की जो उनकी टेंडेंसी थी या कैपेसिटी थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। उसके बाद मेरा जो नेल था वो भी बहुत अच्छा आया। और अगर आपको कोई भी ऐसा कुछ क्वेरीज है नेल आर्ट से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपकी भी ऐसी ही कोई स्टोरी है नेल आर्ट की जब आपने फर्स्ट टाइम कराया था तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को इतने लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।